नगर निगम चुनाव भाजपा ने अकेले लड़ने के फैसले पर गठबंधन में दरार होने लगी है। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। अजय सिंह चौटाला ने कहा कि हमने पूरी ईमानदारी के साथ भाजपा के साथ गठबंधन निभाया है। अलग अलग चुनाव लड़ने का ये भाजपा का फैसला है। हम तो गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहते थे और इसके लिए पूरी तैयारी भी कर ली थी, लेकिन भाजपा के कुछ नेताओं ने अकेले ही चुनावी रण में उतरने के लिए रणनीति तैयार की थी। हमने तो जब से सरकार बनी है गठबंधन धर्म निभाया है। पीछे दो बाई इलेक्शन हुए विधानसभा के, उनमें भी हमने उनका साथ दिया और उन्हें चुनाव लड़वाया। अब उनका पार्टी का ये निर्णय है कि हम ये चुनाव फ्रेंडली लड़ेंगे और अलग लड़ेंगे, तो ये उनका निर्णय है, वो फ्रेंडली लड़ लेंगे। तो हमें कोई गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं होगी, एक ही पार्टी अलग अलग वोट मांगोगे जाके। अब जब उनका फैसला है ये, हमारा फैसला नहीं है। हमने तो अब भी यही कहा था बार बार कि हम मिल करके लड़ेंगे। हमारी तरफ से किसी ने कभी आज तक कहा हो कि हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे तो बताओ जी। अब उनका निर्णय है, ये उनसे पूछो। वहीं अजय चौटाला ने कहा कि जेजेपी पार्टी भी सिंबल पर चुनाव लड़ेगी और सभी जगहों पर अपनी प्रत्याशी उतारने का काम किया जाएगा। अजय चौटाला ने कहा कि जब भाजपा के पास पूर्ण बहुमत नहीं था तभी गठबंधन से सरकार बनाई थी। आज कुछ नेता बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं, उनको उचाना के प्लेटफॉर्म पर फिर जवाब देने का काम करेंगे। जेजेपी सिंबल पे चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल लड़ेगी। तो मेन मुद्दे क्या रहेंगे? शहरी निकाय के चुनाव शहर के स्थानीय मुद्दों पे ही लड़े जाते हैं, उन्हीं के मुद्दों पे लड़ेंगे। जिसे कल मीटिंग में था चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा था कि चुनाव बीजेपी को अकेले में लड़ना चाहिए, जबकि सहयोगी पार्टी जेजेपी है, तो वो उनको मीटिंग में ऐसी प्लेटफॉर्म पे बातचीत नहीं, वो उनको उचाना प्लेटफॉर्म पे पता लग जाएगा। अजय चौटाला ने आय से अधिक संपत्ति मामले पर सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है। उन्होंने कहा कि अभी बहुत गवाहियां बाकी हैं, मेरा फैसला बहुत दूर है अभी। सोच है, हमें कोर्ट ने जैसा निर्णय दिया है वो सर्वमान्य है सबके लिए, उसमें क्या कर सकते हैं। अभी तो तारीखें हैं, मेरा तो फैसला बहुत दूर है अभी तो, मेरी तो 100 के करीब तो एविडेंस पड़ी है बाकी। वहीं अजय ने जेजेपी की हालिया स्थिति को लेकर भी कहा कि जेजेपी पार्टी का मजबूत संगठन है और पार्टी पिछले दिनों सभी हलकों में सदस्यता अभियान चलाकर और भी मजबूत करने का काम किया है। बता दें कि अजय चौटाला ने गांव बढ़ाना में मनदीप ढांडा के आवास गए हुए थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कही, नारनौंद से हरकेश जांगरा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।